हेलो फ्रेंड, मैं हूं आपका दोस्त पंकज कुमार। आई होप कि रिसेंटली आपने मेरा चैनल को विजिट किया होगा, क्योंकि वहां बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है आप सबके लिए। और आज का हमारा ट्यूटोरियल ये है कि अपना आइस को और ज़्यादा खूबसूरत कैसे बनाएं फ़ोटोशॉप में। अक्सर जब हम फ़ोटो क्लिक करते हैं तो ज़रूरी नहीं है कि आइस अपना बेस्ट शॉट दे। एक जब इमेज होता है, अगर वो इमेज में कोई कैरेक्टर है तो आइस ऑटोमेटिकली इमेज का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट बन जाता है। तो आज मैं आपको दिखाऊंगा कि अपने आइज को बेहतर कैसे बनाया जाए लुक वाइज, और साथ ही साथ कलर का बहुत वेरिएशन आ सकता है आज में। अगर आपको बहुत कोई सुंदर लेंस पहनने का शौक है तो आज वो शौक शायद मैं फोटोशॉप के द्वारा आपको पूरा कर दूँ। तो चलिए आज का ड्रिल शुरू करते हैं। सबसे पहले दिखा जाऊँगा कि हमारा इस फोटो का इनपुट क्या था। तो पहले हमारा आइज कुछ ऐसा था और इसे मैंने ऐसा चेंज किया जो बहुत ही इंटरेस्टिंग दिख रहा है। तो चलिए आज का टूल शुरू करते हैं। हम सबसे पहले हम आइस का सिलेक्शन बनाएंगे। मैं पेन टूल का यूज़ करूँगा इसे बनाने में। आपको जिसमें इजी पड़े आप वो यूज़ करें। ये सिलेक्शन मैंने बना लिया। सिलेक्शन बनाने के बाद आप यहाँ राइट क्लिक करें और मेक सिलेक्शन करें। फेदर बहुत इंपॉर्टेंट है आइज के सिलेक्शन में, वरना ये बहुत ही ख़राब दिखेगा अगर आप मैं जैसे जैसे इसको एडिट करते जाऊँगा। तो यहाँ फेदर 3 का दे दिया मैंने। अगर आपने किसी कोई और सिलेक्शन को यूज़ किया है तो यहाँ सिलेक्ट में जाके मॉडिफाई में जाके फेदर डाल सकते हैं आप इसे। अब मैं इसे एक नए लेयर में लूँगा जो कंट्रोल जे प्रेस करने से होगा। कंट्रोल जे प्रेस किया मैंने और एक नए लेयर में आ गया। सबसे पहले मैं कर्व का यूज़ करूँगा इसे बेटर बनाने के लिए। एडजस्टमेंट कर्व, पहले मैं इसका लाइट बढ़ाऊँगा, ज़्यादा नहीं थोड़ा सा। उसके बाद मैं ब्लू में जाऊँगा और इसके बाद मैं इसे थोड़ा सा बढ़ा लेता हूँ। तो आप अगर नोटिस करें तो चेंज अभी से आना शुरू हो गया है। इसके बाद मैं यहाँ एक टूल है डॉश टूल, उसे यूज़ करूँगा। डॉश टूल से होता ये है कि कोई भी जिस एरिया में इसे ड्रैग करेंगे वो एरिया हाईलाइट होना शुरू हो जाएगा। मैं करूँगा, आप देखेंगे इसे कैसे होता है। मैं डॉट टूल लिया, एक्सपोजर रखे 50, इसे कम कर दे पर इसे ज़्यादा ना करें। मैं यहाँ और कम कर लेता हूँ, मैं 30 का रख लेता हूँ और हार्डनेस को थोड़ा सा रखे 30 के आसपास। अब मैं इसे रेटिना के आउटर लेयर में इसे ड्रैग करूँगा। और एक बार आप जब ड्रैग करना शुरू करें तो इसे बीच में छोड़े ना, पूरे एंड तक ले जाए। तो मैं यहाँ तक ले गया, मैं एक बार हो गया। अब मैं दूसरी बार फिर करता हूँ इसे। अब ये ठीक है। अब मैं इसे छोड़ता हूँ और अब मैं इसे बर्न टूल यूज़ करूँगा। बर्न टूल मैं आउटर लेयर में यूज़ करूँगा इस लेयर पे, जिससे ये बर्न हो जाएगा, थोड़ा ब्लैक दिखने लगेगा। देखिए आप, तो ये मैंने यूज़ कर रहा हूँ बर्न टूल। इसका एक्सपोजर 50 है, इसलिए मेरा एक बार में इसका काम एक बार से ही हो गया। तो आप देखिए क्या चेंज आया है, डिटेलिंग बढ़ गया है इसका। इसके बाद मैं रेटिना को बढ़ाऊँगा फिर से। ये रेटिना मुझे पसंद नहीं आ रहा है तो मैं एलिप्टिकल मार्केट टूल लूँगा और रेटिना बनाऊँगा। मैं एक नया लेयर लेता हूँ और यहाँ मैं अपना रेटिना बनाता हूँ। इतना बड़ा ठीक रहेगा इतना, हाँ। इसके बाद मैं इसे फिल करूँगा ब्लैक से। अब इसे ब्लैक से फिल कर दें, ऑल्ट बैक स्पेस। इसके बाद मैं ब्रश टूल लूँगा और यहाँ एक वाइट कलर का डॉट दूंगा, इसे कर दे वाइट और यहाँ एक डॉट दे सिंपल सा। आप दो डॉट को एक साथ दे सकते हैं, एक बड़ा एक छोटा। तो आप इसे जूम आउट करें तो आप देखेंगे चेंज बहुत हद तक आया है। इसके बाद अब इसका कलर को चेंज करने के लिए दिखाता हूँ मैं। पहले मैं इस दोनों लेयर को मर्ज कर देता हूँ, कंट्रोल ई, ये मर्ज हो गया। तो आप देखिए आपका लाइट आइज कैसा था, अब ये कैसा है, अब ये ज़्यादा डिटेल में दिख रहा है। अब मैं जाऊँगा इमेज एडजस्टमेंट ह्यू सेचुरेशन, यहाँ पे ये जो बटन है कलराइज का, इसे मैं क्लिक करूँगा और ये अब मैं इसका कलर अपना मन चाह जो मुझे पसंद है वो रख सकता हूँ। मेरे पास बहुत ही वैरायटी है,
अगर आपको ब्लू पसंद है तो ब्लू रखें, उसके बाद यहाँ सेचुरेशन में आए, सेचुरेशन कम करें और लाइटनेस को थोड़ा सा बढ़ा दें, तो आप देखें आपका आइज क्या था और यहाँ ये एकदम दूसरा ही आइज है, तो आप अंतर देख सकते हैं दोनों आइज को अगर मैच करें तो आपको पता चलेगा ये आइज बहुत बेटर है इससे। तो दोस्तों यही था हमारा ट्यूटोरियल आज का कि आइज को अपना बेटर कैसे बनाया जाए। आई होप कि आप सबको अच्छा लगा होगा। आप मेरे फेसबुक के पेज को लाइक करना ना भूलें। फिर मुलाकात होगी। गुड बाय, कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग।